फैनआउट टीवी यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गो सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वह बहुत उत्तम, बहुत शुभ। आज कल्याणपुरा के वासी भगवती गौ माता के लिए चुनर यात्रा लेकर के पूरे शाही अंदाज में यहाँ पहुँचे हैं। यह हमारी प्राचीन परंपरा थी कि गौ माता की चुनर यात्राएं निकलती थी, गौ माता के लिए शोभा यात्राएं निकलती थी। आइए हम भी इस यात्रा के निमित्त कुछ कीर्तन कर लेते हैं। जय जय गो माता, 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 छप्पन भोग का स्वागत है। सतयुग सा दृश्य दिखाई दे रहा है। सतयुग में गौ सेवा प्रधान थी। माताएं अपनी परंपरागत स्वरूप में सिर पर पल्लव युक्त कलश धारण किए। पूरे भाव से मां की सेवा में पधारी है। इन सब के पूर्वजों ने इस गांव का नाम कुछ सोच समझ करके ही रखा है। कल्याणपुरा जो नाम रखा आपके पूर्वजों ने, निश्चित रूप से सोच समझ के रखा है। ये मेरे भाई बहनों केवल वस्त्र मात्र नहीं है, विशेष रूप से हम कल्याणपुरा के भाइयों और बहनों को ये बात कहना चाहते हैं कि आप जो ये चुनर यात्रा लाए हैं, ये केवल कपड़ा नहीं है,
ये द्रौपदी के उस चीर के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर भगवती गौ माता करोड़ गुणा करके लौट आएगी। भावों का खेल है, गाय माता को कोई साड़ी की आवश्यकता नहीं होती, ये तो ऐसा स्वरूप लेके आई है कि वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है इनको तो। लेकिन हमारे भाव जब इस प्रकार से बन जाते हैं तो हम भगवती गौ से बहुत कुछ पाते हैं। आप जो भगवती गौ माता के लिए अन्न दान लेकर के आए हैं, गौ भंडारा लाए हैं, उसको आप सुदामा के चावल समझ लीजिए। दो मुट्ठी चावल सुदामा के कन्हैया ने खाए तो बदले में स्वर्ग सा वैभव दे दिया। मेरी मैया भी कन्हैया की प्यारी है, वो भी ऐसा ही करती है। जैसा कन्हैया करते हैं वैसा ही गैया करती है, कोई भेद नहीं है गैया और कन्हैया में।